सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 30 रुपये 50 पैसा। चलिए इस सिरप के मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों यह सिरप दिसंबर 2019 में बनाया गया है तथा इसकी एक्सपायरी डेट है नवंबर 2020 तक। चलिए इस सिरप के कंपनी के बारे में देख लें। तो दोस्तों यह सिरप फ्रीजर कंपनी द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है। चलिए इसके ब्रांड नेम के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का ब्रांड नेम है विकासूल सिरप। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के यूज के बारे में देख लेते हैं। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। मुंह में छाला हो गया हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी की कमी को इस सिरप का प्रयोग करके पूरा किया जाता है। पेट को ठंडा रखता है, ब्लड की कमी को पूरा करता है, भूख को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है इत्यादि की समस्याओं में डॉक्टर अपने अनुसार इस सिरप का प्रयोग करता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के डोज के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन और एज के हिसाब से, यदि आपका बच्चा 8 से लेकर 10 केजी के बीच में हो तो उसको 5 ml दिन में एक बार दें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को इस सिरप को दिए हो तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकता है, शरीर में सूजन आ सकता है, खुजली हो सकती है, शरीर पर लाल दाने निकल सकते हैं, बुखार आ सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखाई दे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में कर सकते हैं। इस सिरप का प्रयोग हम सभी प्रकार के बच्चों में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।